प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विभिन्न मांगों को लेकर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ हड़ताल करने जा रहा है, जहां 22 मई को शहर के चिमनबाग मैदान पर होने वाली ऑटो रिक्शा चालक संघ की हड़ताल को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। इस बीच एमपी न्यूज के विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत के साथ खास बातचीत करते हुए भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के ऑटो चालकों ने अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई है और आंदोलन की रूपरेखा बताई है। देखिए ये रिपोर्ट। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने सरकार को ये चेतावनी दी है कि यदि उनकी त्रिसूत्रीय मांग नहीं मानी गई तो वे 22 मई को उग्र आंदोलन करेंगे। यह उग्र आंदोलन चिमनबाग में होगा और तकरीबन 30,000 ऑटो चालक इस आंदोलन में शामिल होने की पूरी संभावना है। त्रिसूत्रीय मांग में सबसे प्रमुख मांग इनकी यह है कि ई रिक्शा का रूट तय हो और इसमें ओवरलोडिंग समाप्त हो। वहीं बाइक टैक्सी जो चल रही है पूरे शहर भर में, उसको बंद होना चाहिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष, सीधे जुड़ेंगे उनसे और बातचीत करेंगे। और कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं आपकी, विस्तार से बताएं। हमारी तीन मांगे हैं। हमारी सबसे पहली मांग है कि शहर में जो अवैध रूप से रेपिडो, ओला, जुगनू, मैक्सिमो, उबेर ऐसी 4-5 कंपनियों की मोटरसाइकिलें टैक्सी के रूप में चल रही हैं, ये मोटरसाइकिलें बंद हो, इसका ऐप है वो ऐप बंद हो जाए। दूसरी हमारी मांग है जो शहर में अवैध रूप से ई रिक्शाएँ ओवरलोडिंग पर चल रही हैं और बच्चे भी ई रिक्शाओं को चला रहे हैं, हमारा निवेदन है कि ई रिक्शाओं का रूट तय हो और ई रिक्शा की जो 4 सवारी है वो 4 सवारी फिक्स हो। अभी 8-8, 9-9 सवारी लेकर के ई रिक्शा वाले गाड़ी चला रहे हैं, चाहे जहाँ उनकी गाड़ी दुर्घटना हो रही है। अभी कल भी एयरपोर्ट रोड पे एक ई रिक्शा पलट गई, इसके पहले एक ई रिक्शा की बैटरी फूट गई और कई लोगों को, नागरिकों को लगी। तीसरी हमारी मांग है कि 2021 तक के हमारे ई चालान माफ़ किए जाए, क्योंकि 2010 के, 2012 के, 2015, 16 पुराने 10-10 साल पुराने ई चालान हमसे मांगे जा रहे हैं। लिखित में हमको कोई नोटिस नहीं आ रहा है, केवल चाहे जहाँ डंडा राग चल रहा है, पुलिस वाले गाड़ी रोकते हैं, डंडा अड़ाते हैं, गाड़ी के कागज कंप्लीट होने के बाद नंबर प्लेट का फोटो खींचते हैं और बताते हैं तुम्हारे 15 ई चालान है, तुम्हारे 10 ई चालान है। एक एक ऑटो चालक को 5-5 हज़ार के ई चालान बताए जा रहे हैं। अब मजदूर आदमी की रोजी रोटी ख़त्म हो गई है, क्योंकि बाइक टैक्सी सवारी लेके चली जाती है, ऑटो चालक 8-8 घंटे स्टैंड पर खड़ा रहता है और बाइक टैक्सी वाला आता है और ऐप के माध्यम से सवारी लेके चला जाता है। ई रिक्शा 8-8, 9-9 सवारी भर के जा रही है, हमारी रिक्शा वाले 3 सवारी की जगह अगर 4थी सवारी बैठा लेते हैं तो पुलिस वाले 1-1 हज़ार का चालान बना देते हैं। तो हम चारों तरफ से, हमारे ऊपर तो लक्ष्मण रेखा बना दी गई है और ऑटो चालक कुछ भी नहीं मांग रहा है सरकार से, केवल 2 वक्त की रोटी मांग रहा है। हम कोई प्लाट, जमीन, धर्मशाला कुछ नहीं मांग रहे, केवल 2 वक्त की रोजी रोटी मांग रहे हैं। और इंदौर शहर का इतिहास है कि इंदौर शहर में 1953 से ऑटो रिक्शा चल रही है और आज इंदौर शहर में 30-35 हज़ार ऑटो रिक्शा है और ऑटो रिक्शा का परिवार है। अब ऑटो चालक इतना दुखी हो गया है कि वो अपने परिवार की 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं जुगाड़ कर पा रहा, अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजेगा, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ पिछले 1 वर्ष से 10-10 बार हमने आवेदन दे दिए, पुलिस कमिश्नर साहब को आवेदन दिया, ट्रैफिक DCP साहब को आवेदन दिया, परिवहन मंत्री जी को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, इंदौर शहर के सांसद जी को आवेदन दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया, लेकिन हमारे आवेदन लेने के बाद उसे कूड़े करकट में डाल दिया जाता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन सब बातों से नाराज होकर हम लोग 22 मई को एक बहुत बड़ी इंदौर शहर के इतिहास में दर्ज होने वाली एक हड़ताल कर रहे हैं और इंदौर शहर के 30,000 ऑटो चालक उसमें शामिल होंगे और ये अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हमारा उग्र आंदोलन होगा सरकार के खिलाफ, क्योंकि अभी हम निवेदन पर निवेदन कर रहे हैं। चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। अब इतने बड़े परिवार, आज कम से कम 1.5 से 2 लाख वोट है हमारे पास, आज ये 2 लाख परिवार बेचारा 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं खा पा रहा है। तो इसलिए मैं हमारे प्रदेश के मुखिया मामा शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी 22 मई के पहले पहले हमारी मांगे मान लें, ताकि गरीब के घर में चूल्हा जल सके। और मामा जी, आप लाडली बहनों के लिए इतना कर रहे हैं, अपनी भांजियों के लिए इतना कर रहे हैं, तो लाडली बहनों और लाडली भांजियों के परिवार के लिए भी कुछ करें। जैसा कि शहर में काफ़ी ई रिक्शा हो गए हैं, ऐसे में जो 30,000 ऑटो चालक है, क्या अब उनके बेरोजगारी पर सवालिया निशान उठने लगे? बिल्कुल, उनकी बेरोजगारी पर सवालिया निशान उठने लगे।
ऑटो चालक इतना पीड़ित हो गया है, चारों तरफ से संकट में आ गया है। कई हमारे ऑटो चालक की स्थिति ये हो गई है कि दो वक्त की अनाज नहीं है उनके घर में, वो बेचारे भटक रहे हैं। सुबह से शाम तक रिक्शा चलाते हैं, 400 रुपये इकट्ठे नहीं हो रहे, उसमें उनको ब्याज देना पड़ता है, गाड़ी का टैक्स भरना पड़ता है, गाड़ी के कागज कंप्लीट करना पड़ते हैं, और अपने परिवार को कैसे चलाएं वो 400 रुपये के अंदर। आज महंगाई कहाँ पहुँच गई, गैस के भाव आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे हैं, अनाज के दाम आसमान छू रहे हैं। ऑटो चालक इतना परेशान हो गया है कि वो जहर खाने के लिए तैयार हो गया है कि अब मैं तो जहर खाऊंगा और क्या कर सकता हूँ। आपने कई बार आवेदन दिए हैं, ऐसे में यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तब आप क्या कदम उठाएंगे? अगर हमारी मांगे सरकार नहीं मानती है तो हमको उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, और इंदौर शहर का ट्रैफिक भी जाम होगा, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि इंदौर शहर हमारा शहर है, हमारे परिवार का शहर है, इसलिए हम इंदौर शहर की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो पेट की लड़ाई है, रोजी रोटी की लड़ाई है, उसके लिए हमसे जो बनेगा हम करेंगे, और शासन प्रशासन के खिलाफ खुला मोर्चा खोलेंगे और चुनाव का बहिष्कार भी हम करेंगे। जी निश्चित तौर पर। तो ये थे भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर शासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे, और ये आंदोलन चिमनबाग में होगा, और 22 मई को तकरीबन 30,000 ऑटो चालक इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, MP News, इंदौर।